कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपने पैर धीरे धीरे फैला लिए हैं और कोरोना को लेकर बहुत सारे फैक्ट्स जिनको आप फैक्ट्स मानते हैं लेकिन असल में वो फैक्ट्स नहीं होते, वो मिथ है या यूं कहिए भ्रम है या यूं कहिए एक झूठ है जिसे आपके सामने फैक्ट्स की तरह रखा गया है, हमारे आपके बीच में फैल रहे हैं। और आज उन्हीं में से कुछ ऐसे कथित फैक्ट्स को बेनकाब करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। और ये देखिए, तीन तीन पन्ने के प्रिंट लेकर आया हूँ। आप समझ लीजिए कि व्हाट्सएप पर आपके पास जो कुछ आ रहा है वो सारा सच हो इसकी गारंटी नहीं है। जैसे सबसे पहली बात, आपने सुना होगा कोरोना वायरस गर्मी के मौसम में फैल नहीं सकता, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस बात को लेकर अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है कि गर्मी आ जाएगी तो कोरोना फैलना बंद हो जाएगा। COVID-19 इसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि भाई ठंडे मौसम और बर्फीली जगहों पर कोरोना वायरस मर जाता है, तो हमने बहुत सारे वैज्ञानिकों से बात की, किसी ने भी इस बात को लेकर अभी तक तस्दीक नहीं की है कि ठंडे मौसम में या बर्फीली जगहों पर कोरोना फैल नहीं सकता और वो मर जाता है। तीसरा, गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस होने का खतरा कम होता है, तो ये पहले से ही जुड़ जाता है ना कि गर्म जगहों पर या गर्म मौसम में कोरोना नहीं फैलता। ठीक ऐसे ही लोगों ने आपसे कहा व्हाट्सएप करके कि गर्म पानी से नहाने से कोरोना का वायरस मर जाता है। सॉरी, ऐसा तो किसी वैज्ञानिक ने नहीं कहा, बल्कि डॉक्टर्स ने ये ज़रूर कहा इस चक्कर में ज़्यादा गर्म पानी से नहाकर कहीं अपनी स्किन मत जला बैठे। अगला पॉइंट, कोरोना वायरस मच्छर के काटने से भी फैल सकता है, ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक कोरोना वायरस आप जब छींकते हैं उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जुकाम की वजह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं इन्फेक्टेड इंसान के, वो इन आसपास की सतहों पर, इस मोबाइल फ़ोन पर, सामने वाले व्यक्ति पर जिससे आप बात कर रहे हैं उस पर चले जाते हैं और उसके बाद तमाम लोग उसकी वजह से संक्रमण के शिकार हो जाते हैं। हैंड ड्रायर से कोरोना वायरस के कीटाणु मर जाते हैं, नहीं जी बिल्कुल नहीं है। हैंड ड्रायर से COVID-19 के कीटाणु नहीं मरते, बल्कि आप थोड़ी सी और स्टडीज को पढ़िएगा तो हैंड ड्रायर को केवल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि साबुन से हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, केवल गर्म हवा आ रही है इसी से काम चल जाएगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। वहाँ से अपने आप में कई सारे ऐसे कीटाणु होंगे जो आपके हाथ पर आकर स्थापित हो जाएंगे और फिर अपना अपना रंग दिखा देंगे, अपना अपना काम कर देंगे। एक भ्रम कोरोना वायरस को लेकर यह भी फैलाया जाता है कि अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैंप नए कोरोना वायरस को खत्म करने में कारगर है। भाई, हाथों को स्टेरिलाइज करने के लिए अगर आप ऐसे किसी अल्ट्रावायलेट लैंप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर्स वैसे ही मना करते हैं। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछिए, वो आपको सलाह देंगे कि भाई साहब इस चक्कर में अपनी स्किन मत जला बैठना और इससे COVID-19 ठीक हो जाएगा। ये तो निहायत ही मूर्खतापूर्ण बात है, झूठ फैलाया गया है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। कोरोना वायरस की जाँच के लिए थर्मल स्कैनर काफ़ी कारगर है। देखिए, थर्मल स्कैनर का मतलब क्या है? वो हाथ में पकड़ा हुआ जो आप देखते हैं सबके हाथ में थर्मोमीटर, आजकल रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, यहाँ तक कि दफ्तर आप आते हैं तो भी आपके माथे के पास लगाकर चेक किया जाता है आपका बुखार। वो केवल बुखार बताता है जनाब, समझे, ताकि आपको बुखार हो तो फिर आपके बाकी सिम्टम्स के बारे में आपसे पूछताछ की जा सके कि कब से बुखार है, कितना बुखार है, खांसी तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है, रनिंग नोज तो नहीं है, बदन दर्द तो नहीं है, उसके बाद आपकी आगे की इन्वेस्टिगेशन हो सके। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि वो थर्मोमीटर लगाने से कोरोना वायरस पकड़ में आ जाता है तो नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर पर अल्कोहल और क्लोरीन छिड़कने से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। देखिए, अल्कोहल वाला सैनिटाइजर हाथ पे लगाने को कहा है लेकिन ये नहीं कहा है कि आप अल्कोहल से नहा लेंगे तो कोरोना वायरस से बच जाएंगे, और ऐसा ही क्लोरीन के साथ भी है, तो ये भी कुल मिलाकर एक भ्रम है। अच्छा, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। निमोनिया के लिए बनी वैक्सीन कोरोना वायरस से भी रक्षा करती है, नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक वैज्ञानिक तलाश रहे हैं कि COVID-19 से निपटने के लिए वैक्सीन कैसा हो कि वो इस बीमारी से आपको निजात दिला दे, लेकिन अभी तक फुल प्रूफ कोई ऐसा वैक्सीन बाजार में नहीं आया, उस पर काम चल रहा है। लहसुन खाने से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। बहुत सारे लोग आपको व्हाट्सएप करते होंगे सुबह सुबह उठते ही कि एक फांक ले लीजिए, पानी पी जाइए उसके बाद, और लहसुन खाने से कोरोना वायरस से आपकी रक्षा हो जाएगी। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। इस बात का कोई सबूत अभी तक डॉक्टरों को या वैज्ञानिकों को नहीं मिला है कि लहसुन कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है। कोरोना वायरस का असर सिर्फ बुजुर्गों या बच्चों पर होता है या जवान लोगों पर होता है, ऐसा भी नहीं है, ये केवल भ्रम है। अब तो आप देख लीजिए ना, पूरी दुनिया से जो केसेस आ रहे हैं वो आपको बता ही दे रहे हैं ना कि हर उम्र के लोगों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। हाँ, बुजुर्गों को और बच्चों को, बहुत छोटे जिनका इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप ना हुआ हो, या बहुत बुजुर्ग जो डायबिटिक हो या किसी और तरह की बीमारी से परेशान हो, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करके ये कोरोना वायरस जानलेवा ज़्यादा हो सकता है बनिस्बत उनके जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर है। आखिरी बात,
कोरोना वायरस से बचाने में एंटीबायोटिक्स भी काफी कारगर साबित होती हैं। ऐसा भी कई लोगों ने आपको कहा होगा, दवाइयों का नाम भी भेजते होंगे आपको, ये वाली घर में रख लो, ये वाली खा लो, तो ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर काम करती हैं, कोविड-19 पर काम नहीं करती। इसलिए घर में अगर आप एंटीबायोटिक्स के ढेर लगा रहे हैं ये सोचकर कि ये हमें कोरोना से बचा लेगी, तो आप गलत कर रहे हैं, उससे आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको अक्सर आपके मोबाइल पर आती होंगी, कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी व्हाट्सएप पर, और बहुत सारे आपके जो व्हाट्सएप से बने डॉक्टर दोस्त हैं वो आपको ज्ञान देते होंगे कि भैया ऐसे इलाज हो सकता है, ऐसे बचाव हो सकता है। तो अब की बार जब आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए तो ये वाला वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट सबसे पहले देखने के लिए।